हेलो एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, आई लव यू ऑल। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हमारी गलतियों की वजह से वंदे भारत मिस हुई और हम देखते ही रह गए, लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमने शताब्दी बुक कराई और चल पड़े अपने सफर पे चंडीगढ़ के लिए। तो आपने वो जर्नी देखी, कुछ झलक इस एपिसोड में डाल के और शुरू करते हैं आगे का सफर। आपको बहुत पसंद आएगा, आप चंडी देवी मंदिर के दर्शन भी करेंगे जिनके ऊपर चंडीगढ़ बना है, मनसा देवी मंदिर के भी दर्शन करेंगे, कुछ लोगों से ट्रेन में बात करेंगे वंदे भारत में, और देखिए कितना खूबसूरत है ये सफर। और चंडीगढ़ के तो क्या ही कहने, यहाँ की कुड़ियां सोनी कुड़ियां, राइट, और लाजवाब लोग, बहुत ही खूबसूरत और वेरी इंटेलिजेंट। इन सबके साथ एक बात जरूर बोलूंगी कि एक तू ही है इस दुनिया में, तुझ सा है कोई और कहां, अगर हो ना भरोसा बात में तो तू भी यहां और मैं भी यहां, तेरे हंकार में वो दम है कि सारी दुनिया थम जाए, खुद पर वो विश्वास अगर एक पल क्या वक्त बदल जाए। तो ये वक्त तो आपके हाथ में है, और आप चाहें तो आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और आप में सारी कैपेबिलिटी है। ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन बात को याद रखिए, और आप बहुत स्पेशल हैं, और स्पेशल करिए और स्पेशल बने रहिए। वी कैन, वी विल एंड वी मस्ट अचीव आवर ड्रीम्स। चलिए चलते हैं चंडीगढ़ के इस खूबसूरत से सफर में, और कुछ झलकियां पुराने व्लॉग की देखते हैं। बने रहिए मेरे साथ, आप लोगों को जरूर मजा आएगा, मैं इतना वादा तो आपसे कर ही सकती हूँ। भतीजी सोनी कुड़ी, चंडीगढ़ की कुड़िया तो सोनी कुड़िया होंदी ने। लाडी सा बहुत उसको लाइक करती है। किसको? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये नेक्स्ट डे चंडीगढ़ की एक नई शुरुआत, और सुबह सुबह सबसे पहले हम दर्शन करने जा रहे हैं चंडी देवी मंदिर के, जिनके ऊपर ही चंडीगढ़ बना है, और ये आर्मी कंटोनमेंट एरिया में है। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को तो खैर मिल जाती है परमिशन, तो आपको दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं चंडी देवी मंदिर के। अब ये पंचकुला स्टार्ट हो गया है, चंडीगढ़ ख़त्म और पंचकुला स्टार्ट। हालांकि पंचकुला एक पार्टी है, ये ज़्यादातर ये आर्मी एरिया है, फोर्स एरिया है, और देखिए आप रोड, ग्रीनरी, पोल्यूशन फ्री, नो हॉर्न, वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द कंट्री। ये ग्रीनरी चेक करिए, और यहाँ से देखिए ये प्राचीन चंडी माता मंदिर, इन्हीं के नाम पे चंडीगढ़ पड़ा है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की।
आपको ले जा रहे हैं हम मनसा देवी टेम्पल। अभी आपको चंडी देवी माता मंदिर के दर्शन कराएं। तो जब हम आएंगे तो ये कंटोनमेंट एरिया से थोड़ा आगे है, तो यहाँ सबसे पहले हमें गुरुद्वारा मिलेगा, और गुरुद्वारा से राइट टर्न करने के बाद ये टेम्पल, ये देखिए गुरुद्वारा पुरानी साहब है। हमारा अंकल फिर किस किया यहाँ देख ले फिर। आओ जी आओ, जय माता दी। क्या है श्रृंगार का सामान, ये कैसे दिया आपने? ये 200 रुपये, ये 100 रुपये। देखिए हनुमान जी के दर्शन फिर हो गए हमको, देवी माँ मनसा देवी मंदिर। पहले पीपल का पेड़ था, इसके आगे सब परिक्रमा करते थे, चुन्नी चढ़ाते थे, लेकिन अभी इसके गिरने की संभावना है करके यहाँ पे बाउंड्री बना दी है और यहाँ आना अभी अलाउड नहीं है। जय हो मनसा देवी माँ, देखिए आपके दर्शन हुए अच्छे। चलिए चेक करें ये ग्रीनरी, देखिए आप इतनी ऑसम है जैसे किसी जंगल में आ गया हूँ। देखिए आप यहाँ से रोड, ये देखिए ग्रीनरी। ये देखिए खेत दोस्तों, पंजाब के खेत। आज हमने आपको सुबह ट्रेन की जर्नी दिखाई दिल्ली से चंडीगढ़ की, और ये देखिए इतना सुंदर खेत, मन करता है कि इनके बीच में चले जाएं और अंदर तक घूम के आएँ, लेकिन क्योंकि शायद ये चावल की खेती है और पानी ही पानी इनमें भरा हुआ है, लेकिन खूबसूरती देखिए कितनी सुंदर। ये कहते हैं ना पंजाब हमारा, यही है वो पंजाब जिस पे पूरा हिंदुस्तान गुमान करता है, राइट। इतना खूबसूरत है ये चंडीगढ़ हाईवे रोड है। तो इस तरीके से चंडीगढ़ घूमते हुए हमने सोचा कि अब कुछ खा पी लिया जाए, तो हम लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो इसलिए ढूंढना पड़ता है। तो एक गोपाल स्वीट्स है चंडीगढ़ में जिसकी ब्रांचेस भी हैं, और इतनी लाजवाब है कि वैसी कोई मैंने शॉप जयपुर दिल्ली वगैरह में नहीं देखी। उसकी अपनी एक अलग क्वालिटी है और अपना एक अलग अंदाज है। तो देखिए ये गोपाल स्वीट्स है जहाँ पे कि यहाँ की रंग देखिए, और यहाँ के मार्केट तो अपने आप में है ही लाजवाब। आशा आपको ये अच्छा लग रहा होगा।
ये हमारा एक छोटा सा ट्रिप था चंडीगढ़ का, और आज जाने की बारी वापस दिल्ली, तो एक वंदे भारत तो हमसे छूटी, लेकिन आशा करते हूँ ये ना छूटे कहीं, तो हम निकल पड़े स्टेशन की तरफ। हमारी शाम की ट्रेन थी वंदे भारत, तो चलिए देखते हैं यहाँ का सफर कैसा रहता है, आप लोगों को भी दिखाते हैं, और बने रहिए हमारे साथ, लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट टू बी राइट। ये देखिए इतनी सजी दुजी कार, पूरी पेंटिंग ऑफ टाइगर्स, दिस इज टूरिस्ट कार, पता नहीं कौन सी ट्रेन है लेकिन बहुत अच्छी है। और देखिए आप इंडियन रेलवे, ये हमारी वंदे भारत चल पड़ी है स्टेशन से चंडीगढ़ दिल्ली के लिए। बहुत ही स्पेशियस है, सी द नेक्स्ट प्लेस। वंदे भारत है ये तो एक प्राउड है इंडिया का राइट, और इतनी खूबसूरत ट्रेन है लेकिन सबको गर्व है इसके ऊपर। आपको इधर काम करते हुए कैसा लगता है? बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा, क्या मतलब ना, पहली बार ट्रेन में काम कर रही हैं आप की किसी और ट्रेन में भी पहले किया है? मैंने और भी ट्रेनों में करे, मेरे तो 3 साल से मैं 3 साल से, लगती तो आप बच्ची हो एकदम। तो किस किस ट्रेन में काम किया आपने? मैंने वंदे भारत कटरा से, न्यू दिल्ली से जो कटरा जाती है उसमें करा है। अच्छा, शताब्दियों में भी करा है, काठगोदाम शताब्दी, राइट राइट, भोपाल शताब्दी। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? अंतर जमीन आसमान का है क्या? नहीं, जमीन आसमान का अंतर नहीं है। खैर हमारी तो मैम कैटरिंग सर्विस का काम है, तो कैटरिंग तो सेम ही होती है लगभग। अच्छा ओके, और आप कब से कर रही हैं? मैं तो पहली बार कर रही हूँ इस गाड़ी, पहली बार। और रहती कहाँ पर है आप? मैं अम्बंदोरा में। हाँ, हिमाचल अम्बंदोरा जाती ट्रेन चलती है हमारे। ये कहाँ से चलती है ट्रेन? अम्बंदोरा से, हिमाचल में अम्ब स्टेशन पड़ता है अम्बंदोरा। अच्छा, कहाँ से चलती? मुझे तो हिमाचल बहुत पसंद है, और अगर आप मेरा चैनल देखोगे तो उसमें हिमाचल उत्तराखंड भरा पड़ा हुआ है। तो चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, खूब तरक्की करें, आगे बढ़े। और आप कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड से। आप भी उत्तराखंड से हैं? कहाँ से? उत्तराखंड में नैनीताल से। नैनीताल से, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, पंगोट, मुक्तेश्वर में बहुत कवर किया है। चलिए बहुत बढ़िया है, चलिए तरक्की करिए, बढ़िया। हमें भी सौभाग्य मिला आप लोगों से बात करने का और इस ट्रेन में सफर करने का। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। ये पुलिस वाले भैया हंस रहे हैं, बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे।
तो लीजिए आगे अपनी मंजिल और डेस्टिनेशन। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली और दिल्ली की रंगत कुछ खूबसूरत है आजकल। तो यहाँ की हवाएं, यहाँ का वातावरण आप लोग भी देखें और मुझे प्लीज़ कमेंट्स दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, मुझे बताइए कि आपको कहाँ पे क्या कमी लग रही है ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोस दे पाएं, कौन सी जगह आप लोग देखना चाहेंगे और क्या देखना चाहेंगे, और कोई फीडबैक दीजिए तो आई वुड रियली बी ग्रेटफुल। और एंड में यही कहूँगी, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, बी वेरी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और देश सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू ऑल।